2021-22 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं राजस्थान के गांधी माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब एवं शिक्षा मंत्री जी वी डी कल्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी विधानसभा क्षेत्र सहाड़ा में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई इबारत लिखी है। एक और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जा रहा है, जिससे बच्चों को अध्ययन के लिए दूरस्थ विद्यालयों में नहीं जाना पड़े। बच्चों को निःशुल्क दूध ड्रेस वितरित की जा रही है। शिक्षा के अभाव में लिखे न गुण का फूल, शिक्षा के अभाव में लिखे न गुण का फूल, शिक्षा में ही बसा है जगत प्रगति का मूल, शिक्षा में ही बसा है जगत प्रगति का मूल। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के समस्त सेकेंडरी स्कूल को 12वीं कक्षा के स्कूलों में बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के क्रमोन्नत कर दिया है। इससे बड़ा क्रांतिकारी कोई निर्णय नहीं हो सकता है। मैं सदन के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो स्कूलें नहीं हुई, काली मंगरी, डेलाना एवं कुमारिया खेड़ा, देवली प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करावे। सरेवड़ी, भीटा, मियाला, बागड़, टूंगज, खाकरमाला, भटेवर, भीटा, आलोली, अरनिया, जबरकिया, सोनियाड़ा, बैसा कुंडल, देवली, शिवपुरा, दूड़िया, जागदरी, सेतुरिया, मोमी, गुरला, आमली, पुरावतान, बड़ोद उच्च प्राथमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करावे। माननीय सभापति महोदय, मैं उच्च शिक्षा मंत्री महोदय को कहना चाहती हूँ कि मेरे वहाँ विधानसभा में लेक्चरर नहीं है, वह उसको जल्दी से जल्दी भरा जाए ताकि बच्चों का पढ़ने में सुविधा मिल सके। माननीय सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र सहाड़ा के विद्यालयों में शिक्षकों के पद काफ़ी संख्या में रिक्त चल रहे हैं, इस कारण बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी परेशानी हो रही है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शिक्षकों के रिक्त चल रहे पदों को शीघ्र भरवावे ताकि सरकारी विद्यालयों का नामांकन बढ़ने के साथ साथ शिक्षा का स्तर भी बढ़ सके। साथ ही राज्य में कार्यरत महिलाएं, शिक्षाएं जो कि शादी के बाद अपने उपनाम बदलवाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है वह काफ़ी लंबे एवं जटिल प्रक्रिया है। उक्त प्रक्रिया को सरल करने के साथ साथ जिला स्तर पर संपादित करवा दी जाए तो महिला शिक्षाओं को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में चंद लाइनें कहना चाहती हूँ कि राजस्थान का नाम और पहचान आपसे है, राजस्थान का नाम और पहचान आपसे है, राजस्थान आन बान शान आपसे है, राजस्थान आन बान शान आपसे है। आपके विकास कार्यों ने क्षेत्र की दशा बदल दी, आपके विकास कार्यों ने क्षेत्र की दशा बदल दी, इसीलिए हर चेहरे पर मुस्कान है। जय हिंद, जय भारत।